तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी पार्ले जी केक बनकर तैयार है। ये बहुत स्पॉन्जी भी होता है और खाने में तो टेस्टी लगता ही है, और साथ ही साथ ये हेल्दी भी है क्योंकि ये बना है पार्ले जी से, जो कि बनता है गेहूं से। केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पार्ले जी वाला बिस्किट लिया है। ये हमें पाँच पाँच वाले चार बिस्किट यूज़ करने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे मिक्सी में तोड़ के रख लिया है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमें पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए बिस्किट को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसका पाउडर बना लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। ये मैंने 1/4 कप चीनी ली है, इसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है, सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे। इसमें जो हमने चीनी डाली है आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। दूध को हमें रूम टेम्परेचर पे लेना है, ना ही हमें बहुत ठंडा लेना है और ना ही इसे हमें गर्म यूज़ करना है। दूध इसमें हम ज़रूरत के अनुसार ही डालेंगे, सारा दूध एक साथ नहीं डालना, नहीं तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए पूरा मैंने 1.5 कप इसमें दूध डाल दिया है। अब हमारा जो बैटर है वो रनिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है, यानी कि पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। ना ही ये ज़्यादा गीला है और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इसी तरीके का बैटर हमें इसका चाहिए। यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच टूटी फ्रूटी ले ली है, बच्चों को बहुत पसंद होती है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आप टूटी फ्रूटी नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर ड्राई फ्रूट भी कट करके डाल सकते हैं। इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच वेनिला एसेंस और इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। बैटर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। आज ये केक मैं इस पतीले में बनाने वाली हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह बेकिंग ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। मैंने यहाँ पर ये रिफाइन ऑयल ले लिया है, इससे मैं इसे ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल की जगह घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी बर्तन में हम केक को बना रहे हैं उसे अच्छे से चारों साइड से हमें ग्रीस करना है। और मेरे पास यहाँ पे ये बटर पेपर है तो मैं इसे इसमें यहाँ पर लगा दूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क सकते हैं, या तो फिर आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर का इस्तेमाल करने से जो हमारा केक होता है वो बहुत ही आसानी से बर्तन में से बाहर निकल आता है। इसे भी मैं हल्का सा इस तरीके से ग्रीस कर रही हूँ। बैटर को रखे हमें लगभग 5 मिनट हो गया है। अब हम इसके ढक्कन को हटाएंगे। ऐसा करने से जो हमारा बैटर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसमें कोई भी लंप नहीं बचता है। और अब मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके घर में बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर इनो भी इसमें डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेकिंग पाउडर आप इसमें जब ही डालें जब आपको इसे डायरेक्टली बेक करने के लिए रखना हो, यानी कि इसे पकने के लिए रखना हो। बहुत देर पहले से बेकिंग पाउडर इसमें डालकर ना रखें। तो ये देखिए हमारे बैटर में अच्छे से बेकिंग पाउडर अब मिक्स हो चुका है। अब हमने जो बर्तन रेडी किया है केक बनाने के लिए उसमें हम अपने बैटर को डालेंगे। इसे हम हल्का सा इस तरीके से टैप कर लेंगे। अब हमने जो बैटर रेडी किया है उसके पतीले को हम इस कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई को मैंने पहले से 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। इसे आप बहुत ही सावधानी से रखें क्योंकि जो कढ़ाई है वो काफ़ी गर्म होती है। इस केक को हम लगभग 50 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। ऊपर से हम इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे।
जो टूटी फ्रूटी होती है वो बच्चों को काफ़ी पसंद होती है, तो आप इसमें ऊपर से गार्निश के लिए भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे केक को पकाते हुए लगभग 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटाएंगे और एक स्टिक की हेल्प से हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो स्टिक है एकदम क्लियर बाहर आई है, इसका मतलब हमारा जो केक है वो अच्छे से पक गया है। अब हम इस केक को तुरंत ही कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और केक को हम बाहर निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए केक हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है। इसकी साइड्स को हम एक चाकू से डिमोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इसे हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। प्लेट को पहले हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से केक को पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी पार्ले जी केक बनकर तैयार है। ये बहुत स्पॉन्जी भी होता है और खाने में तो टेस्टी लगता ही है, और साथ ही साथ ये हेल्दी भी है क्योंकि ये बना है पार्ले जी से, जो कि बनता है गेहूं से।